भारतीय रिजर्व बैंक के द्विमासिक मौद्रिक नीति की करी जाहिरात, सतत चौथी वक्त रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं, रेपो रेट 6.5% यथावत। आरबीआई ना गवर्नरे कहूं दुनिया नु ग्रोथ एंजिन बनी रही है भारत। दिल्ली में आज वामपंथी उग्रवादी मामले महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह करशे बैठक की अध्यक्षता, नक्सलवाद थी असरग्रस्त राज्यों बैठक में थशे सामेल। आगामी वाइब्रंट गुजरात समिट ने लई मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल नवी दिल्ली में 13 जेटला उद्योगकारों साथे करी रहा छे वन टू वन बैठक। सीओल सेमीकंडक्टर ना कंट्री हेड डीजे किम तथा पेटीएम ना स्थापक साथे करी मुलाकात, सेमीकंडक्टर ना कंट्री हेडे गुजरात में पोतानो प्लांट शुरू करवानी दर्शावी उत्सुकता। सिक्किम में आवेला पूर बाद राहत अने बचाव कार्य पूरजोश में शुरू, राज्यपाले असरग्रस्त विस्तार ने लीधी मुलाकात, मुख्यमंत्री स्थिति की समीक्षा करी, पूर थी 19 लोगों का मृत्यु, 100 थी वधु लोग लापता। मुंबई ना गोरेगांव में मोड़ी रात्रे 7 माड़नी बिल्डिंग में लागी भीषण आग, दुर्घटना में 6 लोगों का मृत्यु, 30 थी वधु लोग घायल, जारे 6 लोगों की हालत गंभीर। सीरियाना होम्स शहर में सैन्य एकेडमी पर भयंकर ड्रोन हुमलो, 100 થી વધુ લોકોના મૃત્યુ, અનેક લોકો થયા ઘાયલ, કોઈ પણ સંગઠને નથી સ્વીકારી હુમલાની જવાબદારી। રશિયાના હુમલાથી પૂર્વીય યુક્રેનમાં 50 થી વધુ નાગરિકોના મૃત્યુ, ખાર્કિવના એક ગામમાં કાફે પર થયો હુમલો, संयुक्त राष्ट्रे करी हुमलानी निंदा। एशियन गेम्स में क्रिकेट की सेमीफाइनल में भारते बांग्लादेश ने 9 विकेटे हराव्यू, भारत पहुंचू फाइनल में। महिला तीरंदाजी में भारते वियतनाम ने हरावी ने जीत्यो ब्रॉन्ज मेडल, भारते 21 गोल्ड साथे कुल 87 मेडल्स जीत्या। पुरुष हॉकी की फाइनल में आज भारत नो जापान सामे मुकाबलो। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज हैदराबाद में पाकिस्तान अने नेधरलैंड वच्चे टक्कर, गईकाले अमदावाद की मैच में न्यूजीलैंडे पूर्व चैम्पियन इंग्लैंड ने 9 विकेटे आपी हती हार।